लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बड़े बिल्डर मनपा अधिकारियों की मदद से स्थानीय प्रकल्पग्रस्तों की पुश्तैनी जमीन किस तरह हड़पने लगे हैं, इसका सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। पनवेल के राजेंद्र हीरामन मात्रे के सर्वे नंबर 429 पर मौजूद जमीन पर कल्पतरु बिल्डर्स द्वारा कब्जा जमाने की कोशिश इसका बड़ा सबूत है। प्रकल्पग्रस्त राजेंद्र हीरामन मात्रे की माने तो इस जमीन का सारा हक और कब्जा उनके पास है, फिर भी कल्पतरु बिल्डर ने अपने नाम करवा लिया है। वहीं मात्रे को समर्थन देने पहुंचे प्रकल्पग्रस्त नेता दशरथ भगत ने कहा कि जिस जमीन पर कोर्ट का स्टे है और मनपा के दस्तावेजों में मालिकाना हक राजेंद्र मात्रे के नाम है, उसे बिल्डर के नाम कर देना अधिकारियों और बिल्डरों की बड़ी साजिश का संकेत देता है। उन्होंने चेतावनी दी कि हम ऐसी मनमानी नहीं होने देंगे। आइए सुनाते हैं क्या है पूरा मामला। पनवेल के सर्वे नंबर 429 और 458 की यही वो 4 एकड़ जमीन है जहां आज कल्पतरु बिल्डर द्वारा जबरन भूमापन करने से बवाल मच गया। हालांकि पुलिस बल के साथ पहुंचे अधिकारियों को उस वक्त रुकना पड़ा जब प्रकल्पग्रस्त नेता दशरथ भगत, राजाराम पाटिल और सुरेश ठाकुर ने वहां हस्तक्षेप किया। लैंड ओनर राजेंद्र हीरामन मात्रे ने बताया कि जिस जमीन का 712 उनके नाम है, मनपा दस्तावेज और भू अभिलेख में भी उनका नाम दर्ज है, फिर भी कल्पतरु बिल्डर उनकी जमीन हड़पने की फिराक में लगा है। वहीं मनमानी रोकने पहुंचे बीजेपी नेता दशरथ भगत ने कहा कि जिस जमीन पर कोर्ट का स्टे है और सभी अभिलेखों में भी राजेंद्र मात्रे का नाम दर्ज है, उसे कल्पतरु बिल्डर ने मनपा और राजस्व अधिकारियों को पैसे खिलाकर अपने नाम करवा लिया है, जो धांधली का बड़ा सबूत है। दशरथ भगत ने कहा कि ऐसे तमाम बड़े बिल्डर हैं जो मनपा अधिकारियों की मदद से इसी तरह प्रकल्पग्रस्तों की जमीन हड़पने में जुटे हैं, लेकिन हम उनके साथ यह अन्याय नहीं होने देंगे। आइए सुनाते हैं क्या है पूरा मामला। पनवेल की जिस जमीन पर इस वक्त हम खड़े हैं, कुछ बिल्डरों ने अधिकारियों के साथ मिली भगत कर इसे हड़पने की कोशिश की है। लीगली तौर पर उस लैंडलॉर्ड का हक उन्होंने छीना है जिनकी पुश्तैनी ये जमीन है। इस वक्त हमारे साथ खुद राजेंद्र हीरामन मात्रे जी हैं जिनकी ये जमीन है। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल मामला क्या है और कैसे इनकी जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे आप? क्या साहब, ये जमीन जो है ये हमारे ओल्ड प्रोजेक्ट है, ये हमारे दादा से जमीन हमारे पास है। आज ये जमीन को 77 साल हुए हम इधर रहते हैं, इधर हमारा घर है। आज एक कल्पतरु बिल्डर करके ये जमीन को पुलिस प्रशासन ताबे हाथ में लेके हमारा ताबा निकलने का सोच में है। अभी ये सब इधर के पुटरे लोग, ये लोगों ने हमको थोड़ा मदद किया है, इसके लिए हमारा कोई आवाज़ सुनता है। इधर हमारा कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं, नगर पालिका ने इसका एपीसी इसको दिया है और नगर पालिका की जमीन आज उसके ताबे में मांगती है कि बाबा गार्डन बना के हमारे ताबे में दे दो। ऐसे नगर पालिका का मानना है कल वो बिल्डर के पास, और बिल्डर ये छः महीने के अंदर 3 टाइम में जगह मापने के लिए आया और 3 टाइम हमने उसको फ्रेश किया। तो ऐसा ये पुटरे लोग हमको कितने दिन सपोर्ट कर सकते हैं? एक बार की है, दो बार की, ऐसे बार बार तो कोई काम धंधा छोड़ के तो नहीं कर सकते। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि इसमें बिल्डर महानगर पालिका अधिकारी साजिश कर रहे हैं आपकी जमीन हड़पने की? साजिश ऐसा पत्र मेरे पास है, वो कल्पतरु बिल्डर महानगर पालिका ये मिली जुली है। जब वो महानगर पालिका पत्र के अंदर लिख के ले लें, जिस टाइम ये गार्डन का पोजिशन लेंगे उस टाइम नांदो मारुती मात्रे यांची सही फार गर्दीची आहे, नाही तर तुमची CC/OC रद्द केली जाईल। आणि तीच महानगरपालिका आज शांत बसलेली आहे पैसे खाऊन। हा माझा फर्स्ट आरोप आहे। बोला, अभी आपको लगता है कि जिस तरह से पुलिस भी इसमें पुलिस सपोर्ट कर रही है इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज को, और बिल्डर और महानगर पालिका अधिकारी जिस तरह से साजिश रच रहे हैं लैंड एक्विजिशन के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको न्याय की उम्मीद लग रही है क्या? नहीं, न्याय की उम्मीद नहीं ना साहब। न्याय की उम्मीद रहती तो फिर रास्ते पर आने की जरूरत नहीं पड़ता था हमको जो न्याय मिलता था हमको आज संडे के दिन पुलिस थाने से हमको लेटर आता है कि कल तुमने उधर जाके कुछ दंगा मस्ती नहीं करने का। आज जब मेरी जगह पर मैं दंगा मस्ती नहीं करेंगे तो क्या पुलिस आके दंगा मस्ती करेंगे? क्या बिल्डर क्या करेंगे? उसको जवाब देगा क्या?
संडे के दिन दिया, आज इतने पुलिस लोग लेके आए। आज क्या है, एक बात है सब, ये पुटारे लोगों का सपोर्ट की वजह से आज हम लोग खड़ा रह पाते हैं, नहीं तो हमको खड़ा रहने को ले लो। अभी आपको उम्मीद लग रही है कि अभी आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि तमाम दशरथ भगत जैसे लोग, अब तमाम लोग आपके साथ आ गए हैं? अभी दशरथ भगत जो हमारे पीछे खड़े हैं, इसके लिए ऐसा लगता है कि बाबा अभी हमको नक्की न्याय मिलेगा। और ये पाटिल, राजाराम पाटिल, सुरेश ठाकुर, ये सब लोग अभी हमारे पीछे है। ये हमारे नाम डिब्बा पाटिल के साहब लोग है, वो उनके साथी के लोग है, ये क्षेत्र को न्याय देते आए आज तक और आज हमको देंगे, ऐसे आपको बहुत उम्मीद है। चलिए ठीक है, आपने जैसे सुना कि ये थे राजेंद्र हीरामन मात्रे, जिनकी ये जमीन है और इस जमीन पर किस तरह से लीगली कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, उसमें किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन यानी महानगर पालिका और पुलिस भी इसमें कैसे शामिल हो रही है, इस मामले को लेकर जो मदद कर रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता दशरथ भगत साहब, प्रकल्पग्रस्त नेता हैं, क्या मामला है भगत साहब जिसको लेकर आज आपको भी सड़क पर इनके समर्थन में उतरना पड़ा? बात यह है कि यहाँ का जो राजेंद्र हीरामन महात्रे और उनकी फैमिली और उनके दादाजी, ये इनका जो ये टेनेंट है और टेनेंट 712 पे ऑलरेडी ये मालिक है, ये मालिक होने के बावजूद भी जो यहाँ का जो बिल्डर है कल्पतरु, उसको धकेल रहा है, वो उसका हक नहीं दे रहा है। और आज का मसला इतना है कि जब उसका अधिकार है, कोर्ट से भी स्टे है, हाई कोर्ट से स्टे है, और इसके अंदर 712 ऑलरेडी उनके नाम पे है, ऑलरेडी 712 उनके नाम पे है, वो टेनेंट है, और टेनेंट होने के बावजूद उसका हक अधिकार है, कॉर्पोरेशन ने उसका नोटिस दिया, उन कॉर्पोरेशन उसके अंदर उसने जो आदेश पे लिखा है कि जो टेनेंट है उनका भी आप सुनना चाहिए, उनका भी हक देना चाहिए उनको। लेकिन आज का जो मसला ये है कि बाबा जो कुछ सर्वे करना है, उनको जमीन की जो मेजरमेंट लेना है, ये जो शेतकरी है, जो फार्मर है, किसान, उनको एक ही कहना है कि भाई मेरा ऑब्जेक्शन है, मेरा जमीन छोड़ के आपको जो कुछ जमीन की मेजरमेंट करना है कर लो। लेकिन जब गवर्नमेंट का कानून है कि किसी भी किसान की जमीन की जो मेजरमेंट हो रहा है तो उसको नोटिस दे दो, एक जो बाजू में जो चतुर्थमा होते हैं उसको भी सबको नोटिस दे दो, लेकिन ऐसे किसान को नोटिस तो नहीं दिया। लेकिन आज सोमवार है और संडे को उसका 149 का पुलिस ने नोटिस दिया, हमारे पुलिस भाई है, मदद करते, अच्छे लोग, अच्छे हमारे भाई है, मदद करता है हमें, लेकिन पुलिस भी एक भूमिपुत्र है, उसने भी वो बिल्डर को सवाल करना चाहिए कि भाई आप पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहा है, लेकिन उसका हक क्या है, उसका अधिकार क्या है, उसका 712 क्या है, कि वो हरकत ले रहा है, वो क्यों ऑब्जेक्शन ले रहा है, वो भी पूछना चाहिए। लेकिन नहीं, एक तो उसको नोटिस दिया है तो पुलिस ने नोटिस दिया 149 का, भाई आपका आपका जो खेत है ना, उसके अंदर आप नहीं आने का, आपको हम नोटिस दे रहे हैं, आप उधर आके कुछ नहीं करना। अरे ये पुलिस का नहीं, ये बिल्डर की शक्ति है, ये पुलिस तो हमें सपोर्ट कर रहा है, वो तो आम गरीब आम आदमी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरी है, उनको अभी किधर दबा दबा के पुलिस प्रशासन, कॉर्पोरेशन प्रशासन, ये सबको दबा दबा के, भूमि जो भूमापन ऑफिसर होते उनको दबा के, यदि पैसा का जो शक्ति है, जो धन का बल है, वो धन का बल से गरीब का जो अज्ञान है उसको कपट से उनको पूरा जमीन फोकट में कैसे हासिल कर सकता है, उसको कोर्ट में ढकेल ढकेल के, ये 712 है उनका, 712 पे नाम है उसका। सर आखिर ये कौन कर रहा है, कौन ऐसा जो कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में लेकर? कल्पतरु यहाँ का जो बिल्डर है, यहाँ का जो साहूकार है, वो याय भाई जजन वाला है साहूकार, लेकिन आज भी उनकी जो परमिशन जो सीसी होती है वो कल्पतरु के नाम से नहीं है, लेकिन यहाँ कल्पतरु जो यहाँ का जो धनवान है, ये यहाँ का यहाँ दादीगिरी कराए पैसे के बलबूते पे। आपको लगता है कि जिस तरह से इन्होंने खुद ऑब्जेक्शन लिया था, नोटिस दिया था, और महानगर पालिका ने अपने दस्तावेजों में इस बात का जिक्र भी किया है कि 429 और 430 जो है ये इनके परिवार की संपत्ति है, और जब भी कभी इसका इससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होगी तो उसके लिए कंसेंट लेना पड़ेगा, इसके बावजूद भी महानगर पालिका ने दस्तावेज बना कर दिया, आपको क्या लगता है? हमारा कहना है महापालिका एक शासन है और शासन का कानून है, जब महापालिका को जमीन बेच दी है, जैसा एपी शायद दे दिया इसका, तो बेच दिया जमीन, अभी कॉर्पोरेशन को ताबा देना है उनको, लेकिन कॉर्पोरेशन जब खुद खरीदार है
तो उसने जड़ तक जाना चाहिए। यहाँ का टेनेंट कौन है, उसका कल ऑब्जेक्शन आ सकता है, शासन मुश्किल में आ सकता है, वो ऑफिसर मुश्किल में आ सकता है। वैसे उन्होंने टेनेंट को साथ में लेके, टेनेंट का हक देके उन्होंने ये ताबा लेना चाहिए, लेकिन कॉरपोरेशन भी गैर कानूनी ताबा ले रहा है। सर एक आखिरी सवाल आपसे, ऑलरेडी हाईकोर्ट ने इस मामले में स्टे लगा रखी है, इसके बावजूद भी पुलिस और महानगर पालिका बिल्डरों को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कानून का सीधे तौर पर मजाक उड़ाया जा रहा है? यहाँ बिल्डर ने पुलिस को गुमराह किया है। मेरा पुलिस की जिम्मेदारी है कि आप ऑर्डर क्या है, स्टे है, स्टे बोले सब कुछ स्टे, कुछ नहीं करें, उधर जाने का नहीं, लेकिन अपना अपना हिसाब से उसका मतलब निकाल रहा है। तो कोर्ट का स्टे है और स्टे क्या उसने रिस्पेक्ट करना चाहिए, फिर महापालिका हो, पुलिस हो या बिल्डर हो, क्योंकि गरीब किसान है, इसीलिए वो दरकिनार कर रहा है। ये सब शासकीय सिस्टम और बिल्डर सिस्टम ये सब दरकिनार कर रहा है, ये गलत है। लीगल भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जिस कल्पतरु बिल्डर्स के नाम पर यह आरोप लग रहा है कि वो जमीन हड़पने की कोशिश है। हमारे साथ राजेंद्र हीरामन मात्रे के एडवोकेट हैं, एडवोकेट मदन गुवारी साहब। गुवारी साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या ये लीगल मामला कैसे पैदा हुआ और किसकी जिम्मेदारी है इसमें, आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से जमीन हड़पने की कोशिश चल रही है? ये जो जमीन है ये ओरिजिनली हीरामन मात्रे की जमीन थी और लीगल हेयर से राजेंद्र मात्रे की, उनके वो पूरे फैमिली के नाम पे आई। गले अगले दो पीढ़ी से पीढ़ियों से ये जमीन खुद कल्टीवेशन कर रहे हैं, आज भी बीज बोया है उसमें, इसे चावल बोया है, आज भी उसके अभी आँखों से दिख सकता है। ये 32 गज का जो जमीन रहते हैं टेनेंसी का, और टेनेंसी का 32 गज का कीमत भी 32 गज का कीमत भी ये राजेंद्र मात्रे के नाम पे हो गई है, और उसका वो महसूल डिपार्टमेंट में उसने उसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसने उसका पेमेंट भी किया है, 32 मह का सर्टिफिकेट भी मिल गया है, पर जानबूझकर ये रेवेन्यू वाले है ये उनका नाम नहीं चढ़ा रहे हैं। इसलिए वो कल्पतरु वाले के दिमाग में क्या है, ये इसका सब जजदान वाले से लैंडलॉर्ड से अभी एक दफ़ा 32 गज की कीमत हो जाता है तो कानूनन वो मालिक बन जाता है टेनेंट। हाँ, जब टेनेंट मालिक नहीं रहता है तो टीपी प्लान में क्या रहते हैं, जो 60-40 का रेशो है पुराना, उसमें से 40% बिल्ड ओनर को जाता है, 60% टेनेंट को आता है, तो वो भी इधर मसला नहीं है। पूरा जमीन MRTP एक्ट आया करके वो जो कानूनन बोलते हैं कि पहला जो रेवेन्यू की जमीन रहती थी, जिधर नगर पालिका या महापालिका आएगा तो MRT महाराष्ट्र रेवेन्यू ट्रिब्यूनल एक्ट एप्लीकेबल होता है, उसमें टेनेंट का हक अबोलिश किया है अपन, लेकिन 32 गज की कीमत जो है वो नहीं बनती थी, पर इसमें बन गई है। और कानून ऐसा बोल रहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट सेक्शन 43C के मुताबिक टेनेंट का हक नहीं जाता है, जो अभी मैं बोला 60-40 का रेशो था वो उसका, तो उसका बेनिफिट मिला, भले प्लॉट में मिलना मांगता है तो प्लॉट में भी वो उसमें उसका हक रहता है, पर ये जजदान वाले ने वो सब टिप्पणी प्लानिंग में मिल के, वो ऑफिसर उस टाइम के कौन थे मालूम नहीं भगवान नो, परंतु तो उसमें ये पूरा इसमें उसका खुद का नाम लगाया। आज जजदान वाला भी ओरिजिनल मालक नहीं था शायद, उसने भी जिस तरह से कोर्ट ने ऑलरेडी स्टे लगा के रखा है, महानगर पालिका के दस्तावेजों में ये बात क्लियर दिख रही है कि कहीं ना कहीं राजेंद्र हीरामन मात्रे के नाम पर ये जमीन है, वो है। इसके बावजूद भी, कोर्ट स्टे होने के बावजूद भी, अगर महानगर पालिका ने या नगर परिषद ने इस तरह की जमीन अगर बिल्डर को दी है तो आपको नहीं लगता है कि बहुत बड़ा मजाक है कानून का? नहीं, वो तो मानो ये लीगल डिपार्टमेंट देखेंगे, इसीलिए तो रखा है ना, ये जो मगजमारी करती है कोई भी बिल्डर, पैसा फेंको तमाशा देखो, वैसा उस टाइम के ऑफिसर को मिलके उसने किया है। पर जब अब ये प्रकरण हाईकोर्ट में गया है वो सच्चाई उनके सामने आ गई है, इसलिए तो उसने हाईकोर्ट ने उससे स्टे दिया है ना। तो हाईकोर्ट का स्टे होते हुए भी ये उसका प्रेशर क्यों है, जब तक जो हमारा 458 नंबर का जो प्लॉट है वो छोड़ के उधर बाकी का वो सर्वे करे, पर इनडायरेक्टली उनको क्या है, 458 के उधर उसने प्लान बनाते हुए जो कल्पतरु वाले ने क्या प्लानिंग किया है, मैं सीधा नहीं चला, वो टेढ़ा कैसा चला है कि उसमें उसने गार्डन रखा है, प्लान बनाया, उसने बोला ये जमीन मेरी है, उसमें पार्किंग के लिए यानी गार्डन के लिए ये जगह उसने प्लॉट छोड़ दिया, इसका FSI वो उधर बिल्डिंग में यूज कर रहे हैं। ये जब तक ये सर्वे होके वो प्लान मंजूर नहीं हो जाएगा, कलेक्टर के पास नहीं जाएगा तो कलेक्टर वो उधर मंजूर नहीं करेगा, यानी दस्तावेज जो इसका रहता है डॉक्यूमेंट्स में
तब तक उसका नाम नहीं आने वाला, तो उसके नाम के लिए हमने रोक डाली है, तो इसीलिए हमने बोला है उनका वकील है। आपको लगता है कि अभी ये एक तरह का कंटेंट ऑफ कोर्ट क्लियरली दिख रहा है अभी आगे वही के लिए तो मैं पंचनामा में हरकत लिया, ये किया। अरे आज का भी सर्वे उनका है ना विदाउट इश्यूइंग द नोटिस ऑफ द टेनेंट, टेनेंट को कोई नोटिस नहीं देता, सीधा इधर आया, वो गांव वाला इधर रहता है, उनको पता चला करके सब ने भीड़ किया, नहीं तो सर्वे करके भागने वाले थे। तो ये लगता है कि सर की मनमानी बड़ी चल रही है, पैसा हो सके ये बहुत मनमानी चल रही है, भाई किधर भी रोकना मांगता है। हम वकील भी है और सामाजिक कार्य भी करते हैं, तो जल्दी से जल्दी हम जल्दी जर इसमें यह प्रॉपर्टी कार्ड में इसका राजेंद्र मात्रे का नाम नहीं आएगा तो हम जल्दी ही महापालिका के सामने उपोषण के बैठ के उसका पूरा राजेंद्र की फैमिली और हम कोई सोशल वर्कर ये उनके साथ देके उधर हमें उपोषण के जल्दी से जल्दी उपोषण का ये हम जाहिर करने वाले हैं। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि आप खुद वकील भी इस चीज़ को मान रहे हैं खुले तौर पर कि कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, महानगर पालिका और पुलिस अधिकारियों के सपोर्ट से बिल्डर ने इस पूरी ज़मीन को हड़पने की साजिश रची है और इसीलिए अब ये किसान के पास एक आखिरी विकल्प बचा है कि अगर न्याय नहीं मिलता है, अगर ये धांधली बंद नहीं होती है तो कहीं ना कहीं भूख हड़ताल पर उतरना पड़ेगा। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नवी मुंबई।